जीडीएस साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ BMS, आप सभी को एक बार पुनः सूचित करता हूँ कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो लक्ष्य है, पूरे इंडिया का यूथ जीडीएस का और ओल्ड साथी का सबने जो लक्ष्य की चर्चा व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे जगह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बहुत सारा कमेंट आ रहे हैं और ये मैं 3-4 माह से देख रहा हूँ। बहुत सारे यूनियन भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन विगत सप्ताह मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप में कि हिंदुस्तान के सभी GDS मिलकर एक टीम बनाकर हर एक मंडल से, हर एक सर्कल से एक संख्या जो कम से कम 10,000 के आसपास हो, ऐसे लोग 10-15 रोज का कोई ऐतिहासिक जगह से GDS के डिमांड के लिए अगर पदयात्रा हम सभी करते हैं दिल्ली में आने का, और उस दिन जहां हम सभी की पदयात्रा समाप्त हो एक बड़ी रैली हो, सरकार को हमारी 10-12 रोज की जो पदयात्रा होगी जहां कहीं ऐतिहासिक जगह से समापन के लिए जगह, तो हमको सबसे उपयुक्त अटल समाधि वहाँ बहुत बड़ा स्पेस है। एक बार 2-4 साल पहले वहाँ कार्यक्रम हुआ था, मैं गया था, वहाँ किया जा सकता है। और ये सब मेरे सुझाव हैं साथियों, जब तक कुछ बड़ा आप नहीं कर सकते हैं, रूपरेखा और आगाज, तो सरकार, नेशनल मीडिया, विपक्ष और देश की आम जनता को आपकी सच्चाई से रूबरू होने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग को ये भी पता नहीं है पब्लिक डोमेन में कि आपकी ड्यूटी मात्र 4 से 5 घंटा है और इसके लिए आपको 20 से 22 हज़ार, 18,000, 19,000 रुपया ही मिलते हैं। सरकार तक बहुत सी बातें नहीं पहुंच पाती है और डिपार्टमेंट तो हमेशा से GDS का शोषण किया है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। डिपार्टमेंट GDS को बधुआ मजदूर समझता है। जब जब पे कमीशन आता है तो उसके पैरलर में GDS के लिए एक कमेटी गठित की जाती है उनके वेतन पुनरीक्षण के लिए। बहुत सारा कमेटी आया, तलवार कमेटी आया, नटराज मूर्ति का आया, मदन राज का आया, लास्ट आवर में 18 में जो है श्री कमलेश चंद्रा जी की कमेटी की रिपोर्ट आई। इसमें तो बद से बदतर स्थिति हो गई कि सरकार के 3 मिनिस्टर श्री मनोज कुमार सिन्हा जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री रामविलास पासवान जी देश के नेशनल मीडिया के समक्ष घोषणा किया था कि सारी कमलेश चंद्रा की कमेटी की सिफारिशें 18 जुलाई से प्रभावी होंगी, लेकिन बाद में केवल धोखा और धोखा ही हुआ। तो जो जेन्युइन ड्यू डिमांड था हमारा पे कमीशन के पैरलर में, उसके लिए हमको 23 दिन स्ट्राइक करना पड़ा था। जो सरकार विभाग जानती है कि यह हमको GDS को केंद्रीय कर्मचारी के पे कमीशन के पैरलर में इनको हर 10 साल पर देना है, तो उसके लिए 23 दिन लड़ा और फिर हम लोग के साथ धोखा भी हुआ। तब मैं डिवीज़न में था, मैं राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट सर्किल स्तर पर मैं किसी पद पर नहीं था। मेरी जो क्षमता थी, हैसियत थी,
उसके आलोक में उन दिनों मैं जीडीएस साथियों के लिए जो आंदोलन किया, आज भी मेरे फेसबुक साइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा रात्रि मशाल जुलूस से लेकर लगातार धरना कार्यक्रम वगैरह हमने किया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, जिनको देखना होगा जाके मेरे फेसबुक आईडी पर देख लेंगे। बात यह है कि जो जेन्युइन डिमांड थी उसके लिए 23 दिन 22 दिन का स्ट्राइक रहा और उस सरकार और डिपार्टमेंट ने धोखा दिया। तो एक बड़ी डिमांड है और एक बड़ी सोच है आपको, ये 100 साल के गुलामी से अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो उतनी जितनी बड़ी समस्या है उससे बड़ी ताकत पैदा करना होगा। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे के बातों को आरोप प्रत्यारोप करते 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 यह समय निकलते चला जा रहा है। मैं आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं हो अपने अंतर्मन में विचार करें, मूल्यांकन करें कि आखिर इस गुलामी से कैसे हम निकल पाएंगे। आपको इसके लिए त्याग तपस्या और बलिदान के पथ पर अडिग होके आगे बढ़ना होगा, इसको अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए करोड़ों लोग थे देश में, लेकिन लाखों लोग ही फांसी के फंदे को चूमे, शहीद हुए, काला पानी की सजा मिला, वो यातनाओं को सहा, लेकिन अनावर्त जो कारवा था आंदोलन का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, वो चलता रहा, अंततः विजय मिला। अगर लाखों लोग जो शहीद हुए देश के लिए, आज़ादी के लिए, अगर वे सोचते कि करोड़ों लोग हैं, सबको इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों ऐसा करूं, जो सबको होगा वो हमको होगा, अगर ऐसे सोचे रहते तो आज भी देश गुलाम रहता। लेकिन करोड़ों लोगों में लाखों लोगों ने स्वतंत्रता को चुना अपनी बलिदानी के, अपनी कुर्बानी के कीमत पर, और इस देश को आज़ाद किया जिस आज़ाद भारत में आप हम सभी हैं। तो इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास दोहराने के अभिशप्त रहते हैं। तो आपको अगर गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना है तो त्याग तपस्या बलिदान के साथ एक बड़ी संख्या में, लगभग 10,000, 3 लाख में अगर 10,000 लोग ही केवल तैयार हो जाए एक बड़े ऐतिहासिक जगह से, कहीं से हम लोग 10-15 दिन रोज का पदयात्रा करें एक साथ, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि देश की जितनी सारी मीडिया है, विपक्ष है, आम पब्लिक है और सरकार है, सबके अंतर्मन में एक हलचल पैदा हो जाएगी। और मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप पदयात्रा के आधी रास्ता में रहेंगे, पाँच रोज एक सप्ताह दूरी तय करेंगे, तब तक सरकार का कोई ना कोई प्रतिनिधि आके आपसे वार्ता करने को आ जाएगी। तो आप जब तक अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे, मेरे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, मेरे यहाँ शिक्षा मित्र 1500 रुपये के मानदेय पर बहाल हुए और वे लड़ते लड़ते लड़ते, उनकी संख्या यहाँ लाखों में है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, कितने बार आंदोलन किए, 50,000 के करीब में, लाख के करीब में पटना राजधानी में पहुँचे, लाठी डंडा खाए, कितने 2-4 शहीद हो गए, कितने की बाह टूट गई, लेकिन हम तो एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, एक बड़ी ताकत का आगाज करने की रणनीति पर आप सभी को आग्रह करते हैं, चलने के लिए अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण हमारा विरोध प्रदर्शन 10,000 की संख्या में अगर निकलता है तो निश्चित रूप से सफलता हम सभी को मिलेगी। और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मनुष्य के लिए असंभव है, असंभव की सीमा से पार कर जाना ही मनुष्यता है। और जिल्लत, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो गुलामी की जिंदगी हम जी रहे हैं, इसे तो बेहतर है कि हम अपने आप को बलिदान हो जाए अपनी स्वतंत्रता के लिए, इस गुलामी से लिए। आज बहुत साथी बहुत सारा व्हाट्सएप पे बहुत कुछ कहते रहते हैं और वो इंस्पेक्टर के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो आप इससे आज़ाद होइए, आप कहीं भी हो, कोई
अगर प्रशासन इस पोस्ट चाहे डाक निरीक्षक बोलता है समूह बना के आप सभी वहाँ लोकल स्तर पर उसका विरोध कीजिए और इन सब से सदा के लिए मुक्ति चाहते हैं, तो मेरा पुनः आग्रह है कि आप सभी 30 सितंबर को दिल्ली आए, मीटिंग है, उसमें एक निर्णय लीजिए और 10,000 की संख्या में कोई ऐतिहासिक जगह, चाहे वो जालियांवाला बाग हो, चाहे शहीद भगत सिंह की जो गांव है खटकला या अयोध्या या कोई, मेरा कोई आप पर जगह थोपने का नहीं है, मेरा ये कहने का है कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश का मीडिया, सरकार, विपक्ष हम तक खींचे चले आए, हम उनके पास खींचे नहीं जाए, यही मेरा कहना है। बाकी फैसला, निर्णय ये सब स्वतंत्र है आप सभी लेने के लिए, विचार करने के लिए। यही मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हो तो इसी तरीके से हो सकते हो, और एक दिन दो दिन का स्ट्राइक करने से, सांकेतिक प्रदर्शन करने से यह बहुमत की सरकार ये सुनने वाली नहीं है। जब तक आप अपनी ताकत को एक साथ इकट्ठे होकर 10,000, 15,000, 5,000 की संख्या में कोई ऐसा अलग हटके कुछ नया कार्यक्रम, जैसे मैंने बार बार इसमें चर्चा कर रहा हूँ पदयात्रा की, वैसे करेंगे तब जाके इस देश की मीडिया, सरकार और सभी सुनेंगे और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आ कोई प्रयोग करना चाहिए, जीवन में आदमी को कभी भी किसी मैंने लक्ष्य से हार नहीं मानना चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध, प्रतिबद्ध और संकल्पित होकर, अडिग होकर उस पर आप चलेंगे। मनुष्य क्या, वो कौन सी ऐसी जो समस्या है जिसको मनुष्य हल नहीं कर सकता है। मेरे यहाँ के थे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक कविता है जिसकी दो चार पंक्ति मैं आपको दे रहा हूँ कि खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के पांव जाते उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं क्रांतिकारी कविता और शायरी के साथ देश के शहीदों ने, भक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने इस देश को आज़ाद किया। आप भी अगर अपने आप को आज़ाद होना चाहते हैं, 3 लाख GDS को आज़ाद करना चाहते हैं इस बधुआ मजदूरी से, इस गुलामी कुशासन से, तो निश्चित रूप से घर से निकले और हम सब मिलकर एक बड़े आगाज के साथ कहीं ऐतिहासिक जगह से पदयात्रा करें, इस पर विचार करें। आप सभी के सुझाव सादर अपेक्षित हैं। जय हिंद।